नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर साथ ही आज की ये वीडियो राजस्थान सहित 5 राज्यों के लिए बेहद ही खास रहने वाली है। लास्ट तक वीडियो को देखें, पहली बार चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश ही नहीं पूरी दुनिया में हलचल है। देश के अलग अलग राज्यों से लोग इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने के लिए अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अलग अलग जिलों में इसे लेकर तैयारियाँ चल रही हैं। वहीं राजस्थान सरकार भी अपने स्तर पर बड़ी तैयारियाँ कर रही है। सरकार ने 22 जनवरी को पूरे राजस्थान में ड्राई डे घोषित कर दिया है। साथ ही राजस्थान के कई जिलों में 22 जनवरी को मीट की बिक्री पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके बाद अब राजस्थान सरकार एक और बड़ा फैसला करने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है, दरअसल साल बदलने के साथ राजस्थान में काफ़ी कुछ बदल गया है और 19 जनवरी से राजस्थान में नई सरकार पहली बार विधानसभा में बैठेगी। इससे पहले 18 जनवरी को कैबिनेट की मीटिंग करने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, आपको बताते चलें, अधिकतर जो नेता हैं उनका कहना है कि 18 जनवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 22 जनवरी को छुट्टी को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी है। यह अवकाश सरकारी अवकाश तो होगा ही, साथ ही निजी स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा। स्कूल कॉलेज से लेकर निजी ऑफिस, फैक्ट्री और अन्य व्यापारिक जो संस्थान हैं वो बंद रखे जाएंगे। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर 18 जनवरी को मोहर लगना संभव है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को संपूर्ण अवकाश घोषित किया जा चुका है। देश के कई राज्य हैं जहां पर दोस्तों धीरे धीरे अवकाश घोषित किया जा रहा है। इनमें राज्यों की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और उत्तर प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दोस्तों अवकाश घोषित हो चुका है। आगे भी दोस्तों जैसे अपडेट आती रहेगी, हर अपडेट आपको बताते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों स्कूल कॉलेज से लेकर निजी ऑफिस, फैक्ट्री और अन्य जो व्यापारिक संस्थान हैं वो बंद रहे।